तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। टुडे इज संडे और आज ऑगी का वैक्सीनेशन डे है। ऑगी आर यू रेडी फॉर इट? ऑगू आर यू रेडी फॉर वैक्सीनेशन? ऑगू इज एवर रेडी फॉर वैक्सीनेशन। तो अभी बज रहे हैं फिलहाल 10:15 सुबह के, नाश्ता वास्ता करके फ्री हो गए हैं, तो अब ऑगू को लेकर चलते हैं का वैक्सीनेशन कराने को। कार भी मैंने निकाल दी है गैरेज से। ऑगू चलो बेटा, लेट्स गो। निकल चुके हैं और ओगी मुझे आज ड्राइव बिल्कुल नहीं करने दे रहा है, मेरी गोद में चढ़ के बैठा हुआ है। अभी उतारा है मैंने इसको वहाँ। यार ड्राइव तो करने दिया अगर मेरे भाई। रोड्स पे थोड़ा सा ट्रैफिक है, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। आज की धूप काफी ज्यादा तेज है, सच बता रहा हूँ, काफी ज्यादा तेज है। A few inches later. आज ओगू ने इंजेक्शन लगवाते समय ना शोर मचाना शुरू कर दिया। All of a sudden. Actually, आज उन्होंने अंदर शूट करने नहीं दिया, पता नहीं क्यों। एक तो पता है क्या, ये इलाहाबाद स्पेशली यूपी यूपी में ना, मेरे को स्पेशली ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी में ऐसी दिक्कत मेरे को कभी भी फेस करने को नहीं मिली। ये ईस्टर्न यूपी वाले थोड़े से, अब मैं कौन सा वर्ड यूज करूँ, यूज नहीं करना चाहता, अजीब है। उनको लगता है उनकी शूटिंग हो रही है तो मतलब उनके खिलाफ कंप्लेन हो रही है, बिकॉज वो इतने डरे हुए रहते हैं। जब छोड़ो उस बात को, मत ही करो तो ज्यादा अच्छा है। मतलब इन शॉर्ट उन्होंने अंदर शूट करने आज नहीं दिया, वरना मैं जो ओगू चिल्ला रहा था ना वो रिएक्शन कैप्चर करता, आपको दिखाता जरूर आज। फिलहाल तो अब थोड़ा सा कुछ काम है वो निपटाते हैं, उसके बाद पहुंचते हैं घर। तो गाइस दोपहर से हो गई है शाम, अभी बज रहा है शाम के 4, तो तैयार व्यार होके निकल रहे हैं बाहर घूमने फिरने को। एक दो शायद कुछ मार्केट का काम है वो भी देख लेंगे, तो बस थोड़ी देर में गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठ के आप लोगों से करते हैं बात। तो गाइस हम लोग आ गए बाहर और आ चुके हैं अभी फिलहाल अरेल घाट की तरफ। दैट इज आर ब्रिज, अगर आप लोग को कैमरे में दिख रहा हो तो थोड़ा बहुत। और अभी तक देखो धूप सी है, चमक रही है धूप, आज अच्छी खासी धूप थी बाहर। गर्मी लग रही है गाड़ी में। अभी एसी चलाया नहीं है इस वजह से। ओगी अभी भी मुझे गाड़ी चलाने नहीं दे रहा है। रुको मैं मास्क ऊपर कर लेता हूँ, क्योंकि मास्क की चेकिंग आज इस तरफ थोड़ी ज्यादा है। मास्क ऊपर कर लेता हूँ। शिल्पी प्लीज ओगी को हटा लो यहाँ से। ओगू जाओ जाओ। कैमरे में बहुत अच्छा कैप्चर हो रहा है यहाँ पे, मतलब सीरियसली बहुत ही ज्यादा अच्छा कैप्चर हो रहा है। गाड़ी हमने उधर पार्क कर दी है, ओगू गाड़ी में ही है क्योंकि बहुत ज्यादा शैतानी कर रहा था, उसको नहीं लेके आए बाहर। और शायद वो भी उधर से हम नीचे जाएंगे, आई थिंक सो, लेट्स सी क्या होता है। सही है ना नज़ारा? नाइस, वेरी नाइस मैन। तो वहाँ वो आंटी दाना बेच रही थी चिड़िया का, तो मैंने वो भी ले लिया। अभी वहाँ पे बर्ड्स हैं, घर में चिड़िया नहीं है। हाँ, घर की चिड़ियाओं के लिए नहीं है, यहाँ की चिड़ियाओं के लिए। हाँ, यही खा खा के मोटी हो रही है चिड़िया। उनको यहाँ खाना मिलता है ना, इसीलिए बैठी रहती है। तो अभी चिड़ियाओं को खाना खिलाएगी? खिलाना, मैं नहीं खिलाऊंगी। अरे ऐसे फेंकोगे तो वो आते हैं खाने ना, मेरे को नहीं आता। मैं बताता हूँ, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे, क्यों शांति एक अलग ही। ओ तो गाना बज रहा है, भजन बज रहा है ना। वैसे यहाँ पे जो शांति है, जो वाइब है ना, नहीं है कहीं पे और, मतलब ऐसी जगहों पे होती है यार, सागर किनारे दिलिये पुकारे वैसी वाली फीलिंग आ रही है ना। तो फाइनली शिल्पी का बोटिंग का सपना पूरा हुआ। गोल्डन आ रहा है ना भाई, इतना तगड़ा। लेकिन ये व्हाइट लाइट्स की वजह से ना कैमरे में कुछ भी प्रॉपरली आ नहीं पा रहा है ना शिल्पी, कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस बोटिंग करके ना तो बड़ा मजा आया, मैंने भी बहुत टाइम बाद आज बोटिंग करी। शिल्पी तुम्हें मजा आया? तुम्हारे लिए तो स्पेशली ही थी। मुझे मजा आया,
मतलब लोग गाड़ी हायर करते हैं पूरे दिन के लिए, तुम बोट हायर करके पूरे दिन यहाँ पे घूमोगी बोट से, पिकनिक मनाओगी पूरा दिन, तुम पिकनिक मनाना चाहती हो बोट पे। अभी फिलहाल जा रहे हैं गौरव के घर, बात हो गई उससे, गौरव फ्री हो गया है अब। चलो फिर गौरव के घर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या उसका घर सेटअप हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ओगी पागल हो गया गौरव के घर आगे। नो ओगी नो 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 नो, नहीं मारो नहीं मारो, पूरे घर में दौड़ लगा रहा है। मैं और गौरव शॉपिंग पे आए हैं, गौरव को घर के कुछ सामानों की शॉपिंग करनी थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ, मैं भी कुछ देख लूंगा अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। शिल्पी तुम्हें मसाला गोल्डन पीनी है? नहीं। पक्का? पक्का। श्योर? चाट मसाला डाल के दे। चाट मसाला नहीं होता तेरे बाबा। मुझे नफरत हो गई है इलाहाबाद की उससे। नहीं बाबा, मुझे भी अच्छी लगती है। चाय पिएंगे और अंडा खाएंगे। तो पहले चाय पिलाऊं तुम्हें? अरे यार कैसी तीखी चाय रखी हो? अरे तगड़ी बनवाऊंगा मैं, लाइट एकदम मीठा, एकदम तगड़ी चाय बनवाऊंगा तेरे लिए, तू देख अब बका लेके चल। ना ना ना, बॉयज एंड गर्ल्स हम लोग आ गए हैं वापस घूम टहल के अपने घर, और इतना ज्यादा मजा आया ना आज घूमने में, सबसे ज्यादा द बेस्ट पार्ट वाज फूड, जो कि हम लोगों ने स्ट्रीट फूड आज एंजॉय किया, पूरा स्ट्रीट फूड एंजॉय किया, क्यों शिल्पी? आज हम लोग ये एकदम सीना ठोक के कह सकते हैं कि आज हम लोगों ने स्ट्रीट फूड एंजॉय किया। हाँ, हेल्दी ऑमलेट खाया हम लोगों ने, बॉयल एग खाए खुद भी और अगू को भी खिलाए, और हाँ मैंने थोड़ा सा चीट मील सॉर्ट ऑफ कर ली। मैं कौन सा डाइट पे हूँ, मैं तो चीट मील कर ही सकता हूँ, तो मैंने एग रोल वगैरह खा लिए, और इन सब से पहले हम लोगों ने पी है चाय, कुल्हड़ वाली चाय, गजब की चाय, मजेदार मजेदार चाय, मजा आ गया। मतलब शिल्पी को इतना मजा आया ना उस खाने पीने में कि क्या कहने। मैंने तो बोल दिया वो आदमी बुक कर ली कर लो, और शिल्पी ने तो उन अंकल को बुक कर लिया कि भाई खाएंगे बाहर का, खुद का बना हुआ ऑमलेट इतना टेस्टी लगता है जितना आज मुझे लगा है। और बोटिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा शिल्पी तुम्हारा? वो तो ऑसम था, मैं तो तुम्हें कह रही हूँ मुझे कल छोड़ जाओ, मेरे लिए एक नाव बुक कर जाओ 10 से 5, मुझे बस नाव पे घुमाता रहे। सोचो इतना ज्यादा पसंद आया इसे। तो बस आज संडे इसी तरह अपन समाप्त करते हैं, और कल से फिर ऑफिस की दुनिया में खो जाते हैं, वीक डे शुरू हो जाता है। खैर इस कमिंग वीक में एक दो चीजें हैं लाइंड अप हैं, थोड़ी सी आप लोग को दिखाएंगे व्लॉग में, अपकमिंग व्लॉग्स में। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ गाइज लाइक ज़रूर ठोको, और कमेंट भी ज़रूर लिखो, और दोस्तों में शेयर करो, ग्रुप्स में शेयर करो, ऑफिस के ग्रुप में डाल दो, कहीं डाल दो, बस डालो, प्रमोट करो, शेयर करो इस वीडियो को जितना कर सकते हो उतना। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो। जो ऋषिकेश में गंगा है ये वही वाली है। हाँ क्या, तो फिर वही कूद जाते ना, यही अपने घर पहुंच जाते, वो शॉर्टकट ज्यादा हो जाता वहां से कूद के यहाँ डायरेक्ट पहुंचना।